हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स स्टैक। अगर दोस्तों आपके सिस्टम में दूसरा मॉनिटर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ किस तरीके से आपने इस इशू को फिक्स करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले दोस्तों आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है कि आप जो HDMI केबल या फिर VGA केबल आपने कनेक्ट किया है वो कहीं ख़राब तो नहीं है। अगर आपने ये इंश्योर कर लिया कि आपका केबल जो है अच्छी तरीके से या फिर पूरी तरीके से कनेक्टेड है, प्लस आपका जो केबल से डैमेज नहीं है, तो उसके बाद दोस्तों आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है अपने सिस्टम के अंदर, ताकि आप दो स्क्रीन को यूज़ कर सकें एक साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर जाना आपको स्टार्ट मेन्यू पे, उसके बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जाना आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, डिस्प्ले साउंड नोटिफिकेशन पावर, यहाँ पर क्लिक करना आपको। अब यहाँ से दोस्तों आपको ब्राइटनेस यही रखनी है जो है यहाँ पर। उसके बाद आपको नीचे कर देना है और मेक श्योर करिए कि यहाँ से जो रिकमेंडेड साइज है आपके सिस्टम में, 125% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, जो रिकमेंडेड है वही आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद डिस्प्ले रेजोल्यूशन पर आ जाना आपको, तो यहाँ से भी आपको मेक श्योर करना है कि रिकमेंडेड रहे यहाँ से। तो मोस्टली सिस्टम में आपने यही चूज करना है यहाँ से 1920x1080, ये रेजोल्यूशन जो स्टैंडर्ड है, तो यही चूज करना आपको। उसके बाद आपको डिस्प्ले ओरिएंटेशन पर आ जाना है, तो मेक श्योर करिए कि लैंडस्केप हो यहाँ से, कोई और यहाँ से अगर सेलेक्ट हो रखा आपके सिस्टम में तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा फिर। तो लैंडस्केप यहाँ से आपको चूज करके रखना है, मेक श्योर करिए आप। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे पर आ जाना है, मल्टीपल डिस्प्ले का ऑप्शन है यहाँ पर, आपको यहाँ से डिटेक्ट का ऑप्शन है, डिटेक्ट करना आपको यहाँ से इस तरीके से। अगर यहाँ से दोस्तों 1 और 2 मॉनिटर आ रहे होंगे आपके सिस्टम में, तो डिटेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से 1 और 2 चूज कर लेना है और मेक माइन स्क्रीन कर लेनी है। मेक श्योर आपको कि एक्सटेंड पर आपको क्लिक करके रखना है यहाँ पर, किस तरीके से आपको एक्सटेंड पर क्लिक करना है, आप चाहे तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पर हेल्प फ्रॉम वेब, तो आपको सेटिंग अप फॉर मल्टीपल मॉनिटर्स पे क्लिक करना है यहाँ पर। इस पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर किस तरीके से आपने डिस्प्ले की सेटिंग करनी ये देख सकते हैं आप। रेजोल्यूशन यही रखना आपको, उसके बाद ओरिएंटेशन, मल्टीपल डिस्प्ले पर आपको एक्सटेंडेड डिस्प्ले का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्लिक करना आपको और ये टिक करना आपको, मेक दिस माई मेन स्क्रीन। डिटेक्ट करने के बाद 1 और 2 मॉनिटर जो भी सेलेक्ट करेंगे आप, उसके बाद आपको मेक दिस माई मेन स्क्रीन पे क्लिक करके ओके कर देना है, सेव चेंजेस कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों अगर आपने सेटिंग ये इनेबल कर दी, तो आपको यहाँ से इशू फिक्स हो जाना चाहिए, दूसरा मॉनिटर जो है इजी तरीके से यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा। अगर इन सेटिंग्स को भी करने के बाद आपका इशू फिक्स नहीं होता दोस्तों यहाँ से, तो ये सेटिंग यहाँ पर तभी इनेबल होती है जब आपका ड्राइवर यहाँ से अपडेटेड हो या फिर सही ड्राइवर आप यूज़ कर रहे हो। तो इसके बाद दोस्तों हम अगला स्टेप ट्राई करेंगे कि अच्छे से ड्राइवर को अपडेट करना है और कौन सा ड्राइवर आप यूज़ कर रहे हो उसकी जानकारी लेना। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जाना है, इसको ड्राइवर को हमने पहले अपडेट कर देना है यहाँ से। उसके बाद आपको डिस्प्ले अडोप्टर पर जाना है इस तरीके से, उसी के नीचे आपको अपना ड्राइवर दिख जाएगा, तो राइट क्लिक करना आपको, अपडेट ड्राइवर, सर्च ऑटोमेटिकली करने के लिए मेक श्योर करिए कि आप कनेक्टेड हो यहाँ से नेट से इस तरीके से, ओके कर देना यहाँ से, क्लोज। अगर ये ऑप्शन दिखा रहा है आपको द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आल ऑलरेडी इंस्टॉल, राइट क्लिक करना है इसी पे, अपडेट ये वाला चूज करना, ब्राउज माई कंप्यूटर, लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर, ये यहाँ से आपको लेटेस्ट वाला चूज कर देना है एज पर डेट और जो आपके सिस्टम के लिए कंपैटिबल हो यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट कर देना आपको, ड्राइवर यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके से। इंस्टॉल जैसे ही होगा आपका डिस्प्ले का अडॉप्टर चलने लगेगा, आपको एक बार अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करने के बाद आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ से दोस्तों ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद भी आपका इशू सॉल्व नहीं होता, कई बार क्या होता है हम अपडेट कर देते हैं अपना सिस्टम, उसकी वजह से भी एरर आते हैं। प्रॉपर्टीज पर जाना आपको, राइट क्लिक करने के बाद ड्राइवर पर जाना है। अब यहाँ से आपको रोल बैक ड्राइवर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मेरे केस में ब्लर है ये क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया अपना सिस्टम, तो आपको ये टिक कर देना, रोल बैक ड्राइवर, ओके। कोई सा भी ऑप्शन आपको चूज कर लेना है उसके बाद कि माई पीसी डज नॉट वर्क विद दिस ड्राइवर, ऐसा करके और ओके कर देना, आपका ड्राइवर रोल बैक हो जाएगा, जो पहले ड्राइवर चलता था वो ड्राइवर आपका चलने लग जाएगा।
अगर आपका रोल बैक करने के बाद, अपडेट करने के बाद भी ड्राइवर यहाँ से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, अगर है ही नहीं अवेलेबल वो यहाँ पर, तो आपका इशू यहाँ से फिक्स नहीं होगा, फिर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा इसका। तो आपको ड्राइवर अगर है यहाँ पर और रॉन्ग ड्राइवर है या फिर अपडेटेड नहीं है आपका ड्राइवर, तो आपको इसको ड्राइवर डेट देख लेनी है यहाँ से, देख सकते हैं आप इसको। और उसके बाद आपको डिटेल्स में जाना है और यहाँ से इसकी जो हार्डवेयर आईडीज है वो ले लेनी है। तो आपको हार्डवेयर आईडीज पे क्लिक करना है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप इसको कॉपी कर सकते हो लेटेस्ट वाले को। और उसके बाद आप ब्राउजर पे जाके ये जो हार्डवेयर आईडी है ये आपको पेस्ट कर देनी है इस तरीके से, एंटर कर देना आपको। आपको दोस्तों उसके बाद मैन्युफैक्चरर वेबसाइट पर चले जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हार्डवेयर आईडी को सेलेक्ट करने के बाद भी हमें काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजन होती है, काफ़ी वेबसाइट यहाँ पर मिलती है आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर यहाँ से आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे अपने ड्राइवर को, ये वेबसाइट जो यहाँ पर आ रही है ये वेबसाइट है नहीं मेरी मैन्युफैक्चरर की, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को मॉडल नंबर डाल देना आपको। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सिस्टम का ये मॉडल नंबर है, यहाँ पर एचपी पेविलियन 360 कन्वर्टिबल। तो दोस्तों आपका अपने सिस्टम का एग्जैक्ट मॉडल नंबर कैसे पता करना है वो आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने एग्जैक्ट मॉडल नंबर को डालना है। यहाँ पर आपको विंडो प्लस आर का बटन एक साथ प्रेस करना है, रन बॉक्स को खोल लेना, आपको आपको एमएस इन्फो लिखना है यहाँ पर इस तरीके से, 32 एमएस इन्फो 32, ओके कर देना आपको। इस तरीके से ये पॉपअप खुलेगा, तो आपको यहाँ पर सिस्टम मॉडल पर जाना है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ से नोट पेड में यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना है, इसको नोट पेड में आपको टाइप करना पड़ेगा ये। और जैसे आप इसको टाइप करेंगे यहाँ से इसका सिस्टम मॉडल नंबर को, यहाँ पर मिनिमाइज कर लें, ब्राउजर पर आ जाना आपको, और आपको यहाँ पर डिस्प्ले ड्राइवर लिख लेना है। जैसे ही आप HP 3 कन्वर्टेबल डिस्प्ले ड्राइवर लिखेंगे यहाँ से, आपको मैन्युफैक्चरर वेबसाइट दिख जाएगी यहाँ पर, HP की बहुत सारी वेबसाइट दिख गई है मेरे को यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर चले जाना है मैन्युफैक्चरर वेबसाइट पर जाके। कोई सा भी लैपटॉप आप यूज कर रहे होंगे प्रोसेस जो है इसी तरीके से रहने वाला आपके पास। उसके बाद आपको इस OS सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको 10 चूज करना है जो भी आप यूज कर रहे होंगे। यहाँ से आपको वर्जन चूज कर लेना है, 64 बिट या 32 बिट। सबमिट, देखिए सबमिट करने के बाद दो ऑप्शन दिखेंगे दोस्तों आपको, डिटेक्ट माई ड्राइवर्स, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं आपका इंस्टॉल करने का इसको, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर वेबसाइट पर है तो कोई इशू नहीं होगा आपको इसको, ये डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिक आपके ड्राइवर्स को, तो इसको भी आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। इसका सेटअप है, उसको रन करना पड़ेगा आपको, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दूसरा ऑप्शन, ऑल ड्राइवर्स पर आपने प्लस का साइन है, एक्सपेंड कर देना आपको इस तरीके से। अब आपको सारे ड्राइवर यहाँ से दिख जाएंगे जो भी कंपेटेबल होंगे आपके सिस्टम के लिए, तो आपको यहाँ पर ड्राइवर ग्राफिक्स में जाना है, प्लस का साइन है, प्लस कर देना आपको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो यहाँ पर ड्राइवर है इसके, इसको ये डेट वाइज आप देख सकते हैं यहाँ से, इसकी जो पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है ये है, तो आपको डेट वाइज इसको सेलेक्ट करना आपको। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको चूज करूंगा यहाँ से लेटेस्ट वाला 2018 वाला, आपको यहाँ से इसको डाउनलोड का बटन है, जस्ट आपको यहाँ से डाउनलोड कर देना है इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ से नो थैंक्स आई विल डाउनलोड एंड इंस्टॉल मैन्युअली पे क्लिक करना आपको। अब इसका जो सेटअप है दोस्तों वो डाउनलोड होने जा रहा है यहाँ पर, तो इसका सेटअप जैसे ही डाउनलोड होगा, तो इसका सेटअप दोस्तों आप देख सकते हैं रन हो रहा है यहाँ पर .exe फाइल में, तो आप डाउनलोड का फोल्डर में जाके इसको आपने रन कर देना है, नॉर्मल तरीके से डबल क्लिक करके इसको रन कर देना है, और इस ड्राइवर को आपने इंस्टॉल कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे इस ड्राइवर को, आपने एक बार अपना सिस्टम रीस्टार्ट रिबूट कर लेना है, आपका इशू फिक्स हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी यूजफुल स्टेप्स बताए, आपका इशू सॉल्व हो गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई और इश्यू फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और आप चाहे तो अबाउट पेज में जाके मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउ टू फिक्स टेक।